ट्यूटोरियल से। कैसे आप सब, आई होप सब ठीक होंगे और आपकी दुआ से हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे पता है बहुत दिन के बाद व्लॉग आया है। एक्चुअली आप लोगों को पता था कि मेरा गला खराब है, तो मैंने सोचा कि वन वीक तक गले को आराम दूँ। आपको पता है व्लॉगिंग में कितनी बातें करनी पड़ती है और गला फाड़ना पड़ता है, सो मुझसे हो नहीं पा रहा था, हल्का हल्की खराश भी थी, इसलिए मैंने सोचा वन वीक का गैप ले लेते हैं। और दोनों बच्चों का ना एग्ज़ाम आ रहा है नेक्स्ट वीक, जोया का है और अभी मंडे को ही अनाया का स्टार्ट होने वाला है। तो अनाया को तो आपको पता है मुझे कितना पढ़ाना प्रिपरेशन करवाना पड़ता है, सो मैंने सोचा थोड़ा सा गैप ले लूँ। बट इतना भी मैंने देर नहीं किया, बहुत जल्दी आई हूँ व्लॉग लेकर। एक्चुअली मैं तैयार हो गई हूँ। हम लोग जा रहे हैं एक फंक्शन में, बिल्डिंग में एक बच्चे का हकीका है तो वहाँ जाना है, सो हम वहाँ जा रहे हैं। और मैंने ये ड्रेस पहना है मीशो का। आप लोगों ने पिछले अगर वीडियो में मीशो का मेरा हॉल देखा होगा इंडियन वेयर पे, तो आप लोगों को पता चलेगा। और बहुत ही रीजनेबल और बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। सो मैंने आज दावत में ये चूज़ किया है आज पहनने के लिए, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और चूड़ियाँ पहनी है और मेरा लुक कैसे लग रहा है ज़रूर बताइए। और आज जोया देने वाली है आपको हिजाब ट्यूटोरियल, हमेशा वो खुद ही वेयर करती है हिजाब उसके हिसाब से, और वो कैसे पहनती है बहुत लोगों के रिक्वेस्ट आए थे, तो वो आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि जोया हिजाब कैसे वेयर करती है, वो साइड में जो नॉट आता है वो वाला। तो देर नहीं करते हैं, हमको फंक्शन में जाने के लिए भी लेट हो रहा है, तो जल्दी से चलते हैं हिजाब ट्यूटोरियल के पास और फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से। चलिए, जोया ने ऑलरेडी पहन लिए है ना हिजाब, बेटा दिखा दो एक बार कैसे पहनती हो। एक्चुअली बहुत लोगों के रिक्वेस्ट आए थे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। और ये हमारी मैडम ने भी मीशो का ही ड्रेस पहना है, बहुत ही अच्छा आया है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा ड्रेस है और इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है। और जोया को ना ऐसे कपड़े ही अच्छे लगते हैं, है ना जोया? एक्चुअली ऑर्डर देने से पहले मैं पहले से दिखा देती हूँ कि ये पसंद है क्या, ये मंगाऊँ क्या, तो जोया अगर बोलती है हाँ मम्मा ये पसंद है तो ही मंगाती हूँ, ऐसे बगैर उसको पूछे नहीं मंगाती हूँ मैं। तो स्टार्ट करते हैं हिजाब ट्यूटोरियल से। बेसिक चीज ही नहीं आ रही जो मतलब हम लोग आप लोगों को 15 सेकेंड में 60 सेकेंड में हिजाब ट्यूटोरियल बताते ना, उसके पीछे मेहनत बहुत है। फाइनलाइज करके उसको एडिट करके आपको 15 सेकेंड में हम लोग हिजाब ट्यूटोरियल दिखाते हैं। तो ये कैसे करना है बेटा, सब डिटेल में बताओ अभी। जैसे नॉर्मली बनते हैं वैसे एक रोल कर दो, एक साइड छोटा रखना है ना और एक साइड बड़ा, फिर उसके बाद आई टेक वन लेयर इधर फिर ये साइड का पोर्शन थोड़ा बड़ा रखना है और इसे हमें नॉट बनना है, ऐसे ऐसे गांठ बांधना है, गांठ मारना है, बस दैट्स इट। इतना सिंपल है, एक मिनट में ही जोया ने हिजाब बांध दिया है, बहुत ही सिंपल है। तो आई होप ये आप लोगों को पसंद आया होगा और जोया का लुक आप लोगों को पसंद आया होगा, माशाल्लाह ज़रूर बोलिए। और हम कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइए। सो हम चलते हैं, जोया चूड़ियाँ भी पहन लो थोड़ी सी बेबी, ब्लैक वाली पहनो पहनो, या फिर मेरे पास नहीं है ब्लैक वाली। है मैं देती हूँ। ओके, अच्छी लगी ये ना, कुछ पहनती नहीं है ये लड़की, फंक्शन में जा रही है, थोड़ा सा कुछ पहन लो। अच्छा ब्रेसलेट पहन लो, चलो ठीक है। चलो अब्बू रेडी हो गए क्या, देखते हैं, बुलाओ अब्बू को चलो फटाफट। अब
और ये रही मेरी जाने मन। क्या कर लेते हैं आपने, क्या पहना है? वाओ अनु तो बहुत स्वीट लग रही है। आपको भी मेकअप करना है बेबी? इतना है वो फंक्शन नहीं है, शादी नहीं है, ऐसे नॉर्मल फंक्शन है बेबी, तो भी करना है आपको मेकअप। आज पता नहीं, आज ये मैडम का मूड नहीं है। ये पिंस का देखो, जोया ने यही पर रखा है, इसके काम है ना ऐसे ही रहते हैं। जोया ये रख दो ना बेबी, अनु ले लेंगी ना पिंस। और यहाँ पर शोहर जी क्या कर रहे हैं? शोहर जी रेडी हो? हाँ, मैचिंग मैचिंग आ जाओ ना अंदर। यहाँ पे क्लियर नहीं आ रहा है वीडियो। चलो हमारा लुक दिखाते हैं और फिर हम लोग निकलते हैं फंक्शन के लिए। चलो जल्दी कम। हाँ लेकिन 8 बजे तो निकलेंगे ना, अभी तो 10 मिनट बाकी है ना 8 बजने का। बाइक पे चलते, इधर ही है ना सामने। हाँ उधर क्या लगा है, इधर आओ। अरे सो ये है, कौन है ये, कौन हो आप? ये है मेरे शौहर जी और हम लोगों ने थोड़ा सा ट्विनिंग किया है, थोड़ा डिफरेंस है कलर में बट चलता है। पैंट तो सेम है देखो, मैच है। सलाम अलैकुम। कैसे आप सब? कैसे आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे ही हो गए, हम लोग भी अभी काफ़ी अच्छे हो गए। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी दुआओं के लिए, अल्लाह के करम से और आपकी दुआ से अब हम चारों भी बहुत अच्छे हो गए, अभी कोई तकलीफ नहीं है। थैंक यू वेरी मच। और मेरे शोहर जी बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं और हमने थोड़ा सा ट्विनिंग किया है। जोया तुम भी आ जाओ अबू के पास और अनु तुम भी आ जाओ, तो हम हमारा लुक दिखाते हैं और फिर सब ट्विनिंग हो गए। तो तुमको मैंने बोला था ग्रीन पहनो, तुमने ये चूज किया ड्रेस, ये रहे हमारा लुक। दूर हो जाओ, चलो सब लोग हेलो करो। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज इसका मूड नहीं है शायद बोलने का, कोई बात नहीं, घर पे आने के बाद शायद बोलेगी। सो ये रहा मेरा ड्रेस और ये सब रहे और हम चलते हैं अभी फंक्शन में और फिर आने के बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो चलिए सो हम जा रहे हैं सब। जा क्या है तुम्हारे हाथ में, दे दो मुझे ना गिफ्ट। तुम्हारी गार्ड खुल गई खोली, क्यों खोलो ना। ओके फिर बाद में उधर जाने के लिए। तो हम अभी जा रहे हैं घर और घर पे जाके आप लोगों से मिलती हूँ। शोहर जी और अनाया एज यूजुअल, अनाया उनको छोड़ नहीं रही है, वो बैठे हैं और चेयर लेकर आराम से। बस अभी मैं हम निकलते हैं घर के लिए। चलो the
अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी सीख गई है लड़की। तो ये वीडियो है सेकंड डे का। एक्चुअली रात में घर आने के बाद शूट नहीं हो पाया, और जो मैंने आप लोगों को मेरे फ्रेंड्स से मिलवाया था, जो सोसाइटी के जोया के फ्रेंड से मिलवाया था, जब मैंने कैमरा बोला था कि जोया तुम आ जाओ यहाँ पर, उसके बाद वाला जो वीडियो है ना वो शूट नहीं हो पाया। पता नहीं क्या हो गया, वो आया ही नहीं, वो वीडियो आया ही नहीं। शोहर जी का मीटिंग चल रहा है, शोहर जी का अबू का मीटिंग चल रहा है, तो वो कैमरे में आया ही नहीं। मेरे फ्रेंड्स लोगों ने कहा था, मैंने वीडियो स्टार्ट किया और शोहर जी की मीटिंग स्टार्ट हो गई। बताओ इसमें मेरी क्या गलती है। सो अब क्या है ना, उसमें वीडियो में जो था ना, मेरे फ्रेंड्स लोगों ने वो कहा था कि मिनाज के लिए सपोर्ट करो, मिनाज को सब्सक्राइब करो, थैंक यू सो मच। मुझे पता है बहुत अच्छा वो वीडियो आया था, क्लिप आया था, बट वो शूट नहीं हो पाया। मैं घर पे आकर देखी तो मैंने देखा तो अरे वो वीडियो मैंने शूट किया वो है ही नहीं। अब क्या, बहुत अफसोस हो रहा है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ज़रूर आप लोग बोलिए। एंड उन लोग बस वही बोल रहे थे कि मिनास को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, वो सब। और आप लोगों ने तो देखा जोया के फ्रेंड्स लोग, मेरे फ्रेंड्स लोग, सोसाइटी जो मेरे किटी में भी है उन लोग, तो आप लोगों ने ऑलरेडी देखा होगा। और ये मेरी मैडम जो है ना बहुत तंग कर रही है शोहर जी की मीटिंग। ये अभी अभी हमारा नाश्ता हुआ है और मैंने सोचा चलो ये ब्लॉग कंप्लीट कर लेते हैं। और हाँ, इसे अभी ये डायलॉग याद हो गया है, अब आपको पढ़ाई याद करनी है, ठीक है। अभी आपके एग्ज़ाम है मंडे से, तो आपको स्टडीज़ करनी है, तो अब मैं इसको थोड़ा बहुत पढ़ाऊँगी। उसकी स्कूल ख़त्म हो गई है, अब उसको थोड़ा बहुत पढ़ा कर फिर उसको थोड़ी देर सुला दूँगी। सो मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी बहुत बात करूँ और ये ब्लॉग एंड कर दूँ। और इन लोगों की जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगी तो हम लोग प्रैंक चैलेंजेस वीडियो लेकर आएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं लेकर आएंगे, बट वी वॉन्ट टाइम। एक्चुअली इनके एग्ज़ाम्स कैसे ना दोनों के साथ आ रहे हैं, तो फिर वो ज़्यादा स्ट्रेस है। ये क्या है, जोया की कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही है तो वो अंदर बैठी है। और ये मैडम को मैंने अभी लेकर आई हूँ, अब ये भी इसको भी मैं थोड़ा बहुत पढ़ाऊँगी, बिकॉज अभी जो उनका पोर्शन है वो थोड़ा हायर हो गया है। अपोजिट वर्ड्स आ गए हैं, फ्लावर्स और क्या है बेबी, एनिमल्स वगैरह बहुत कुछ है। थोड़ा पेपर। पेपर है। अच्छा, तुमको अपोजिट आता है। बैड का अपोजिट क्या है, क्यूट। गुड, क्यूट नहीं, बैड, गुड, अप, डाउन, स्मॉल, स्मॉल, हाँ, बिग, गुड, वेरी गुड। ऐसे ये ऑपोजिट वर्ड्स आने वाले हैं और बहुत कुछ आने वाला है, बहुत वास्ट पोर्शन है इन लोगों का। जैस्मिन, डेजी, ओ वेरी गुड, लोटस। वैसे तो मुझे पता है ये बहुत जल्दी पढ़ लेगी, बहुत जल्दी सीख जाएगी, इसका कोई टेंशन नहीं। आप लोग ने तो देखा ये कितना अच्छे से जवाब देती है। कल मूड नहीं था ये लड़की का, कल नहीं बोल रही थी, आज देखो कैसे बात कर रही है। इसका कल मूड नहीं था, कल तो तुमने सलाम भी नहीं किया था कल वाले में। सो सब लोग दुआ कीजिए कि अनु के पेपर्स अच्छे जाए, अनु के एग्ज़ाम अच्छे जाए। और अगर एग्ज़ाम का कुछ हो पाया व्लॉग तो मैं एक आधा आप लोगों से शेयर करूँगी, और थोड़ा जो भी है मैं आप लोगों को एक आधा व्लॉग तो मैं अपडेट देती ही रहूँगी, बट चैलेंजेस एंड प्रैंक वीडियो है ना वो इनके एग्ज़ाम्स के बाद ही हम लोग शेयर कर पाएंगे, बिकॉज ना वर्क लोड बहुत आ चुका है, प्रमोशन बहुत आ गए हैं और शोहर जी की ऑफिस स्टार्ट हो गई है, तो घर का भी देखना है, बहुत कुछ होता है मैनेज करने के लिए। तो मैं और एक मतलब ऐसे वीकली 1 या 2 व्लॉग्स तो लेकर ही आऊँगी इंशाल्लाह, बट चैलेंजेस एंड प्रैंक वीडियोस आई विल पोस्ट आफ्टर इनके एग्ज़ाम्स। सो आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो अभी मैं इसे पढ़ाने लग जाऊँगी अनु को, सोनी को मेरे।
बहुत मस्ती हो गई, जेम्स भी खा लिया तुमने, मुझे मैं खाऊं तुम्हारे जेम्स? हाँ। थैंक यू। ये कभी कोई चीज के लिए मना नहीं करती। तुम खा रहे बस। तो ये रहा हमारा वीडियो एंड थैंक यू एवरीवन, बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। एज यूजुअल मेरे शौर जी को देख सकते हो कितने बिजी हैं, कितने बिजी है सुबह से। शौर जी अबू है वो तुम्हारे, मेरे शौर जी हैं। नहीं मेरे दादी हैं। अब क्या देखो बच्चे लोग क्या क्या बातें करते रहते हैं। सो चलो सबको बाय करो, बाय एवरीवन। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, कीप सपोर्टिंग एंड मेरे एग्जाम्स के लिए दुआ कीजिए, एंड मेरे एग्जाम की दुआ कीजिए कि सारे पेपर्स इजी हो, सारे पेपर इजी हो, और मैं ऐसे 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 करके मिस को जवाब दे दूं, ऐसे ऐसे जवाब दे सकूं, मिस को जवाब। और आप लोग है ना प्लीज ये भी दुआ करें कि ये जो तिल जो ये करती रहती है ना मुझे, अब ये ना इरिटेशन हो चुका है मेरे लिए, मतलब टाइमिंग जो है ना वो बढ़ते जा रहा है इस चीज का। रात में भी ना एकदम गहरी नींद लगेगी तो ना ये लड़की शुरू हो जाएगी, मतलब मेरी नींद भी खराब हो जाती है। सो प्लीज क्या करूँ मैं इसका बताइए। और मेरी मेड आ चुकी है तो मैं ये व्लॉग एंड करती हूँ, घर का काम बचा है करने का। सो अल्लाह हाफिज़।